हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से केदारनाथ धाम और उत्तराखंड को 2013 में भीषण आपदा का सामना करना पड़ा था, जिसमें केदारनाथ मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह हो गया था। दोस्तों, इतनी बड़ी आपदा के पीछे श्रीनगर के गढ़वाला क्षेत्र में अलकनंदा नदी के किनारे शक्ति पीठ धारी देवी का क्रोध बताया जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड के चार धामों की रक्षा करती हैं ये धारी देवी, और ये है अपने होने का सबूत भी देती हैं। और दोस्तों, दिन में 3 बार धारी देवी अपना रूप बदलती हैं, जिसमें आज भी देखा जा सकता है। और दोस्तों, धारी देवी को महाकाली का अवतार भी माना जाता है। और दोस्तों, सरकार ने नदी पर बांध बनाने के चक्कर में धारी देवी का ये मंदिर तोड़ दिया और धारी देवी की मूर्ति को मूल स्थान से हटाकर किसी अन्य स्थान पर रख दिया। और दोस्तों, पिछले 2 सालों से इस मंदिर को बचाने के चक्कर में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को पत्र लिखा गया, लेकिन दोस्तों, किसी ने भी इस मंदिर के विषय में विचार नहीं किया और धारी देवी के मंदिर को तोड़ दिया। और दोस्तों, मूर्ति को मूल स्थान से हटाकर किसी और अन्य स्थान पर रख दिया। और इसके कुछ घंटे बाद ही अचानक से ग्लेशियर फटा और इसके साथ ही एक बादल भी फट गया और रात 8 बजे आए सैलाब ने मौत का माहौल रच दिया। और दोस्तों, बुजुर्गों का कहना है कि विवाद का कारण मंदिर को तोड़ना और मूर्ति को मूल स्थान से हटाना है। और दोस्तों, धारी देवी की वजह से 2013 में उत्तराखंड में भीषण आपदा आई थी। तो दोस्तों, धारी देवी का क्रोध जान के आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें।